और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। श्री पकुल सिक्का जी, हमारे अपर सचिव उत्तराखंड शासन के, जो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी हमारी हेली सेवाएं लगातार चल रही हैं। पहले पिथौरागढ़ से देहरादून की फ्लाइट शुरू हुई, पहले 3 दिन हुई, अब 5 दिन हो गई और जल्दी 7 दिन भी हो जाएगी। और फिर चंपावत, मुंशहरी और पिथौरागढ़, हल्द्वानी से हमारी हवाई सेवा भी शुरू हो गई। और कल जो है भारत सरकार का एक हमारा हमको जो परमिशन उनको उन्होंने देनी थी 42 सीटर पिथौरागढ़ के लिए जो है वो भी दे दिया, तो वो सबका संयोजन कर रहे हैं रविशंकर जी। तो रविशंकर जी हमारे, श्री मुकेश कुमार जी हमारे अनुसूचित जाति आयोग के हमारे अध्यक्ष रहे हैं, और सभी HDFC बैंक के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी अपनी सेवाएं देने वाले उपस्थित, सभी हमारे पत्रकार मित्र, सभी अतिथिगण। मैं सबसे पहले तो आज आप सबके यहाँ पधारने पर आप सब लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत है क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें से अधिकांश लोग आज यहाँ पर पहली बार आए होंगे। कितने लोग हैं यार पहली बार, एक बार हाथ उठाते हैं। सभी पहली बार आए। चलिए ठीक है, जो पहले भी आए हैं और जो पहली बार आए हैं, मैं आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ कि आप लोग आज ये हमारा मुख्य सेवा सदन है उसमें पधारे हैं। और जो HDFC बैंक की राजपुर शाखा, 111वीं शाखा, यूकाडा के विभिन्न सॉफ्टवेयर, चार धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए आज जो ATM लगाए गए हैं उनका आज शुभारम्भ हो रहा है, उस सब की मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बड़ा अच्छा था अखिलेश जी आप बोल रहे थे, देखिए ऐसा है कि देवभूमि में जो जन्म लेना है वो जन्म लेना तो किसी के भी हाथ में नहीं है। किसका जन्म कहाँ होगा ये तो ईश्वर ही तय करता है, किस घर में होगा, किस देश में होगा, किस प्रदेश में होगा, ये ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जन्म लेने का, अगर ईश्वर ने हमको यहाँ पर हमारा जन्म कर दिया है तो वो तो है, बहुत अच्छा है, क्योंकि देवभूमि में जन्म हो रहा है। और अगर जन्म नहीं भी हुआ है तो जिसको कर्म करने का अवसर मिल रहा है वो जन्म से भी कम नहीं है। तो आप सब लोगों को इन दोनों ही भूमिकाओं में, देवभूमि में काम करने का अवसर मिल रहा है, और ये पुण्य भूमि है, तप की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, देवों की भूमि है, तो इस भूमि का अपना एक महत्व है अलग। आप कहीं भी देश दुनिया में जाएंगे तो लोग आपसे बात करेंगे, आप उनको बताओगे कि हम उत्तराखंड में काम करते हैं, देवभूमि में काम करते हैं, तो ये तय मानिए कि आपको देखने की जो उनकी दृष्टि है, उनके चेहरे के हाव भाव हैं, वो बदल जाते हैं। एक श्रद्धा का भाव उनके अंदर निर्मित होता है, इसलिए भगवान की आप सब पर बड़ी कृपा है कि आप सब लोग आज एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो वास्तव में लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, और जो सरलीकरण, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए, उनको जो सेवा आपके बैंक के माध्यम से हो रही है और आप सब उसके हेतु बन रहे हैं, तो ये तय मानिए कि भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप, भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं है, भगवान की कृपा है, इसीलिए आपको इसमें सेवा करने का अवसर मिला। अन्यथा तो देखिए लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग सेवा के लिए माध्यम ढूंढते रहते हैं, सेवा खोजते रहते हैं, उनको सेवा प्राप्त नहीं होती है।
तो जिनको सेवा प्राप्त हो रही है तो ये बिल्कुल तय है कि उनके ऊपर भगवान की सीधे सीधे कृपा है। तो आप सब भगवान के कृपालु हैं। मैं एसटीएससी बैंक ने जो पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत शानदार काम किया है उसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जो 2,00,000 पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया और इस वर्ष आपने 5,00,000 पौधे रोपने का जो लक्ष्य निर्धारित कर पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपकी जो प्रतिबद्धता है जो संकल्प है और जो इस समय जरूरत है हम सब की आवश्यकता है